यूट्यूब भारत में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 10,000 के अंदर कौन कौन सा मोबाइल ले सकते हैं। सबसे पहले आता है रेडमी नोट 8, 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। कोई भी आदमी जब मोबाइल फ़ोन खरीदता है तो सबसे पहले उसमें देखता है कैमरा। इसमें जो कैमरा है 4 क्वाड कैमरा है, 48 मेगा पिक्सल, 48 मेगा पिक्सल, 8 मेगा पिक्सल, 2 मेगा पिक्सल और 2 मेगा पिक्सल। 48 मेगा पिक्सल प्राइमरी कैमरा है और 8 मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगा पिक्सल मैक्रो लेंस है और 2 मेगा पिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए लगाया गया है। इसमें जो है 4 GB का रैम मिल जाता है, 64 GB का रोम मिल जाता है और आप इसे एक्सटेंड करके 512 GB तक कर सकते हैं। इसमें पावर देने के लिए 4000 mAh का बैटरी दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए 18 वाट का चार्जर दिया गया है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे चलता है। दूसरा है रियलमी 5S। इसमें जो है आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले, HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, सेम जैसे रेडमी नोट 8 में है, यानी कि 48 मेगा पिक्सल, 48 मेगा पिक्सल, 8 मेगा पिक्सल, 2 और 2 और 13 मेगा पिक्सल दिया गया है सेल्फी कैमरे के लिए। इसमें जो रैम है वो भी 4 GB है, रोम जो है 64 GB है। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 256 GB तक और इसमें जो बैटरी दिया गया है 5000 mAh की बैटरी दिया गया है। इसमें प्रोसेसर है क्वालकॉम 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि जैसा रेडमी नोट 8 में है वैसा ही रियलमी, जैसा कि रेडमी नोट 8 में है वैसा ही रियलमी 5S में, यानी कि दोनों में लगभग फीचर सेम है। बस इतना ही डिफरेंस है कि रेडमी 8 में जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच का है, जबकि रियलमी 5S में है जो 6.5 इंच का है। और एक और डिफरेंस है, रियलमी नोट 8 में 4000 mAh की बैटरी है और रियलमी 5S में 5000 की बैटरी है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो मुझे लेना होगा इन दोनों में, तो मैं रियलमी 5S को खरीदूँगा। और खरीदना होगा तो आप पे डिपेंड करते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं।